हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल। तो गाइस, आज जिस हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर को छोड़िए, आपको ऐसे रिटर्न मिल सकता है जो आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो। तो गाइस, स्टॉक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस स्टॉक का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में हमारे में टूरिज्म सेक्टर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उभर के आया है। हमारे 2023 में काफी अच्छे रिटर्न दिए और 2024 में मुझे लग रहा है और भी अच्छे रिटर्न ये सेक्टर आपको दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जा चुका है और उस वर्ल्ड कप में कितनी लोगों ने ऑनलाइन गेम कराई है, वर्ल्ड कप के कितने मैचेस हुए हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करें, दिसंबर में कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, लोग ना ट्रेवल करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, और सबके बीच में अगर आपकी होटल लाइफ को ऑनलाइन बुक करने की कोई मदद करता है, किड मोस्ट सर्च कंपनी अगर कोई है ईस्ट में कहीं, जहाँ पे लोग होटल सर्च करते हैं और जहाँ पे होटल लोग बुक करते हैं। तो गाइस, तो स्टॉक के बारे में आइए मैं आपको फंडामेंटल दिखाता हूँ और इसके बाद हम फ्यूचर बात करेंगे कि स्टॉक में आपको किस प्राइस पे ये स्टॉक जा सकता है और इन फ्यूचर आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस माइट के फंडामेंटल बोलते हैं और इस फंडामेंटल में अगर आप नोटिस करें, कंपनी का मार्केट कैप 7,700 करोड़ है और करंट प्राइस का 43 चल रहा है। कंपनी ने लो अपना 37 का लगाया और हाई 56 का लगाया, लेकिन इसका एक्चुअल हाई 70 के अराउंड। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 48 का है, लेकिन वही आप अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 180 का है। तो कहीं ना कहीं बाकी कंपनी के कंपेयर, इंडस्ट्री की कंपनी के कंपेयर में ये अभी भी अंडर वैल्यू, अगर आप नोटिस करेंगे, हालांकि अपनी बुक वैल्यू से काफी ज्यादा आगा हुआ है, बट डजंट मैटर बिकॉज कहीं ना कहीं इसके नतीजे अच्छा है। इसके आप सेल्स ग्रोथ देखें 23.8% आपको था मिल रही है, और वहीं आप इसकी पीस वैल्यू देखिए 1 रुपये है। डिविडेंड हल्का फुल्का देता है आपको, इंटरेस्टिंग वैल्यू पर कहीं ना कहीं आपको उसी के अराउंड ये स्टॉक मिल रहा है। और तो स्टॉक में जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इससे एक बार रिजल्ट पे फोकस कर लेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाता हूँ। 2012 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ था, जो बीच में माइनस भी हो गया था, लेकिन 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 जो इसका हाल फिलहाल का प्रॉफिट है वो 206 करोड़ रुपए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये 206, अब आप सोचेंगे 206 करोड़ आया कि मैंने आपको क्या बोला, 2023 में कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर बूम हुआ है। और इस सेक्टर के बारे में मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताता हूँ, इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। गाइस, जितनी होटल लाइन होती है इसमें एक चार्ज होता है, उस चार्ज को हम कहते हैं कन्वीनियंट फीस, और ये कंपनी कन्वीनियंट फीस लेती ही नहीं थी और इन्होंने अब उस कन्वीनियंट फीस को धीरे धीरे लेना चालू कर दिया है। लेकिन इन्होंने अभी भी अपने सारी सर्विस पे कन्वीनियंट चार्ज लेना चालू नहीं कराया किसी किसी फीस पे। अब आप सोच के देखिए, अगर ये कन्वीनियंट फीस अपनी सारे उस पे चालू कर दी, जितने भी इनके लाइन है सब में चालू कर दी, तो आप सोच के देखिए इनका जो प्रॉफिट है, ये 206 करोड़ बता रहे हैं, और तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में और भी डबल हो सकता है। और सोने पे सुहागा बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी कंपनी ने दिसंबर या अराउंड नवंबर के अराउंड इन्होंने 3 कंपनी को वायर कराया। हाँ जी, 3 कंपनी वायर कराया, और उस कंपनी के जो रिजल्ट है वो आपको 2024 के जो फर्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, कंपनी ने कोई चीज वायर करी है तो उसका इन फ्यूचर जो उस कंपनी नई कंपनियों में जितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको इन फ्यूचर दिखना ही दिखना है। लेकिन तो इसी के रिगार्डिंग में आपको आइए इसके कुछ प्रमोटर की दिखाता हूँ कि लोगों ने कितना इसको ले रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रमोटर ने 75% की हिस्सेदारी थी इसमें। मैं पहले आपको ईयरली दिखाना चाहूंगा, 2023 तक ये 74.9, अब इन्होंने 65.4 कर लिया। अब आप यहाँ सोच रहे हो प्रमोटर तो बेच रहा है, खरीद कौन रहा है? एक्चुअली प्रमोटर ने जो ये हिस्सा बेचा है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने फॉरेन कंपनी से कोई डील करी और उस डील का फायदा भी आपको इन फ्यूचर दिखेगा ही दिखेगा। डीआईआईएस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, डीआईआईएस की कहीं ना कहीं मार्च में थोड़ी कम थी हिस्सेदारी, सितंबर में भी, 2023 में भी कम थी, बट हाल फिलहाल ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस हिस्सेदारी ने नमूना फंड्स में कहीं ना कहीं खरीदारी कर रखी है, जो 2021 में 1.21 थी, हालांकि अब कम है, दिखा नहीं रहा, लेकिन नमूना की हिस्सेदारी है।
और नमूना तो छोटा मोटा इंडस्ट्री तो है नहीं कॉलम का, आपको भी पता है। और DII में अगर हम बात करें तो आप खुद देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, उसके बाद आदित्य बिरला, इन सब की हिस्सेदारी कम है, हो सकता है ना भी हो बट कम हो गई है, इसलिए इनकी हिस्सेदारी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर 1 से कम होती है तो हिस्सेदारी यहाँ पे शो नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर तो लगातार बढ़ी हुई है, तो मुझे जो इस सेक्टर में फंडामेंटल दिखते हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छे दिखते हैं और इन फ्यूचर इसके फंडामेंटल और भी बेटर हो सकते हैं। और इस फंडामेंटल के बीच में गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसने ईस्ट ट्रिप प्लानर ने 1,000 करोड़ का कहीं ना कहीं एक फंड रेज कराया है, और उस फंड रेज को इसने कोई इसमें कोई इतना भारी कर्ज नहीं है, आप नोटिस कर सकते हैं, इसमें कोई इतना भारी कर्ज नहीं है जो ये कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि फ्यूचर इनको कुछ एक्वाइजिशन या एक्विजिशन भी करना पड़ती है, कंपनी को नई कंपनियां खरीदनी पड़ती है, इन कुछ तो अपने बाद इसमें और भी ज्यादा इसमें और ज्यादा वैरायटी लानी है और इनको होटल लाइन में अपना एक्सपेंड करना है, तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मेरा इसमें आप सबसे ये पर्सनल राय है कि आप शेयर के बारे में पढ़िए, इस शेयर के बारे में और नॉलेज गेन करिए, और सबसे जरूरी बात, मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है जो मुझे लगता है आने वाले समय में आपको शेयर में भी वो कॉन्फिडेंट दिखेगा। तो चलिए मैं अब आपको इसके कुछ टेक्निकल आस्पेक्ट दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके आगे बीज माई टी का टेक्निकल चार्ट खोला है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक 14 रुपए से था और 14 रुपए से इसने अपना पहला हाई मारा 43 का, 43 के बाद थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट करके एक नया हाई मारा जो इसको लेके गया 72, और 72 के बाद इसमें कंटिन्यू थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो बहुत जरूरी बात है कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब रिवर्सल के संकेत देना चालू कर रहा है, ये देख रहे ना, और आज ये 43 का स्टॉक है, काफी अच्छी इसमें बढ़त हुई है, और इस स्टॉक के अंदर मुझे आने वाले समय में जो पहला टारगेट दिखता है वो इसका ऑल टाइम हाई दिखता है 70 रुपए का, और अगर आप इसको और लंबे नजरिए के लिए होल्ड करते हैं तो इसके मुझे और भी बेहतरीन टारगेट दिखते हैं। अगर गाइस ये आपको और नीचे मिले तो इसमें और आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा ये जितना मेरा पूरा चैनल है ये लर्निंग पर्पस की, गाइस आपको भी पता है कितनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, और इस पैसा कमाने के बीच अगर आप अपना पैसा सही जगह लगाना सीख जाए तो यकीन मानिए आपको भी कोई मल्टी बैगर स्टॉक अगर आप कोई मिल जाए उसको होल्ड करना आपको आ जाए, उसका आप फंडामेंटल टेक्निकल देखते हैं, उसकी मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हैं, तो आपके लिए भी करोड़पति बनना बहुत बढ़िया है। तो गाइस मेरा आपके लिए जो आज का वीडियो था वो ईस्ट ट्रिप प्लानर का था, प्लीज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।